सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। माओवादियों के घर में मिले खत ने पूरे देश में खलबली मचा दी है। पत्र से खुलासा हुआ है कि माओवादी पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या की तरह ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या करने की साजिश रच रही है। पुलिस ने अदालत को बताया है कि माओवादी संगठनों द्वारा लिखे गए दो पत्रों में से एक पत्र में जहां पीएम के मारे जाने का जिक्र है, वहीं दूसरे खत में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उनके परिवार के लिए खतरा मंडरा रहा है। दोनों ही खतों में गढ़चिरौली एनकाउंटर का हवाला दिया गया है, जिसमें कई माओवादियों को मारा गया था। अभियोजन पक्ष की वकील उज्ज्वला पवार ने अदालत को बताया कि दिल्ली स्थित रोना विल्सन के घर से बरामद पत्र में MA राइफल और कारतूस खरीदने के लिए 8 करोड़ रुपए की जरूरत बताई गई है। साथ ही बड़ी हत्या को अंजाम देने की चर्चाएं की गई है। पुणे पुलिस के हाथों में माओवादियों के आंतरिक बातचीत की जानकारी मिली है, जिसमें लिखा गया है कि माओवादी राजीव गांधी की तरह ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या करने की योजना बना रहे हैं। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपनी व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।